बिल्कुल, फैंस की जाहिर सी बात है जो पावर फैंस पंप करते हैं वो तो वही चीज़ है जो मेरा ख्याल से क्रिकेटर्स को, जो भी सेलिब्रिटीज़ होती हैं उनको आगे फॉरवर्ड करती है और उनको वो हिम्मत देती है। बट लाला कल भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स खेली, मगर क्या खेली, क्योंकि ऐसा लगा कि विल स्मिथ ही खेले, उसके अलावा तो एक दो किसी ने कुछ किया, वरना पूरी टीम जो है वो ऐसा लग रहा था टेलीफोन नंबर है जितने रन्स पे वो आउट हुई है, जिस तरह सब लड़कों ने खेला। कल के मैच में क्या हुआ एक पैकेज पर नज़र डालते हैं और उसके बाद फिर अपनी कॉन्वर्जेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल जी, तो ये सब कुछ हुआ क्वेटा ग्लैडिएटर्स के साथ। बॉलिंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से अच्छी हुई, मगर बैटिंग में स्टेबलाइज नहीं कर सके। एक विल स्मिथ अकेले थे बेचारे, ये तो मुझे लग रहा है सेंचुरी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। एक दफ़ा पहले भी शायद ये 97 पे आउट हो गए थे, नर्वस 90s इनको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। बट लाला एक चीज़ जो कि बड़ी पॉजिटिव हुई, नसीम शाह जिस तरह इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, और फिर मैं सोचती हूँ कि हमने वर्ल्ड T20 खेलने ऑस्ट्रेलिया जाना है, सो बहुत काम आने वाले हैं पाकिस्तान के लिए। सवेरा इंजरीज के बाद इस लड़के ने जितना ज़बरदस्त अपने आप को फिट किया है, अब मैं जब तक साथ था टीम के रोज़ इसकी रूटीन थी जिम जाना, अपना बहुत ख्याल रखना, डाइट का बड़ा ख्याल रखना, जो प्रोफेशनल एथलीट को करना चाहिए वही उस लड़के के अंदर मुझे चीज़ें नज़र आई हैं। और नो डाउट बहुत अच्छे स्पेल्स किए हैं, मुश्किल कंडीशन कहूँगा लेकिन उसके स्पेल्स बहुत ज़बरदस्त थे। और मैं जो आपने बात की कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, तो ऑस्ट्रेलिया में तो आपको जेन्युइन पेसर्स चाहिए, अगर आपके पास शाहीन जैसा बॉलर, रऊफ हो गया, एंड देन फिर ये हो गया, क्योंकि असनैन भी नहीं है आपके पास, तो आपके पास तीन जेन्युइन फास्ट बॉलर्स अगर होंगे विद वेरी गुड पेस तो काफ़ी टीम को सपोर्ट मिलेगी। और इसमें जो अच्छी बात है वो ये सवेरा और लाला के माशाल्लाह बेंच स्ट्रेंथ भी आपको जो PSL में नजर आ रही है, जमान को हमने देखा, जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं जाहिर है उनको शायद वर्ल्ड कप में ले जाना विल बी अ बिट बिफोर टाइम, लेकिन फिर भी माशाल्लाह गुड साइंस ऑफ पाकिस्तान।